Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're gonna study something very interesting. आज का जो वीडियो है उसमें कुछ काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बट उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ ताकि मुझे एक आइडिया लग जाए कि आपको कुछ पता भी है. सो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क टू यू कि क्या आपने कभी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में सुना है? अच्छा चलो ठीक है, हम जो ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन अगर इंक्लूड किया जाए उसमें, तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस बेस्ड होता है. ओके और कई ऐसे नाइट्रोजनस बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के लिए, कोई भी इनफैक्ट वेस्ट जो है हमारे शरीर के लिए जिसका यूज़ नहीं है वो तो मतलब बेकार ही होगा. तो अगर ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमारे शरीर से निकलता है, अगर उसका एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में होने लगे, अगर वो जमने लगे हमारे शरीर में, काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट हो जाए, तो आपको पता है क्या हो सकता है? किडनी फेलियर के चांसेस हो सकते हैं. और इस पूरे वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है, क्या आपको ये पता है? नहीं, चलो मैं बता. तो हमारे शरीर से इस पूरे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम जो है वो करता है किडनी. तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है. बट किडनी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सक्रीशन का डेफिनेशन बताना चाहती हूँ. तो हमारे शरीर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम जैसे रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ईटिंग, ब्रीदिंग, फिर से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे ड्रिंकिंग. तो इन सारी चीज़ों को करते वक्त हमारे शरीर में कई ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज़ नहीं है. अगर वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए तो वो पॉइजन की तरह काम करेंगे. तो हमारे शरीर से वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल को एक्सक्रीशन कहते हैं. सो इन डेफिनेशन वाइज द रिमूवल ऑफ एक्सेस और द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. ओके, एक्सक्रीशन हमें समझ में आ गया. एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कई ऑर्गन्स होते हैं और वो सारे ऑर्गन को इकट्ठे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. ऑर्गन कौन कौन से ह्यूमन एक्सक्रीशन में परफॉर्म करते हैं वो हम जानते हैं. तो इससे आपको टाइटल का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि हमारा आज का टाइटल है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन. उसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. उससे भी पहले एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं वो जानते हैं, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आए और क्लियर भी हो जाए. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे. अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ तो आपको क्लियरली दिख पाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी, जो आप मेरे इस दोनों तरफ देख पा रहे हो, एक राइट और लेफ्ट की तरफ. आपके अकॉर्डिंग थोड़ा उल्टा दिखेगा, बट ये दो चीज़ें. तो किडनी होता है एक पेयर, देन उससे जॉइंट होते हैं ये दो ट्यूब जो मेरे बगल से जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज यूरेटर, जो कि कनेक्ट करते हैं किडनी को यूरेटर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर से. यहाँ नीचे आपको दिखेगा नहीं, बट ये यूरेटर जाके एक सैक लाइक, एक ब्लैडर पाउच लाइक ऑर्गन से जॉइंट होता है, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. एंड देन उसके बाद एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट जो यूरिन के फॉर्म में आया है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है. ओके, सो देर आर फोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट पार्टिसिपेट इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. So the first one is one pair of kidney, as you can see here. Then second one is the pair of ureter, as you can see here on the screen. And one pouch-like or sac-like structure that is known as urinary bladder. And there is a small opening that is known as urethra. Okay, so ये सारी चीज़ें काफ़ी important हैं. कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे. और यही सारे ऑर्गन इकट्ठे मिलके हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं. ओके, तो कैसे शुरू होता है ह्यूमन में एक्सक्रीशन का प्रोसेस, स्पेसिफिकली ये किडनी का क्या फंक्शन होता है, किडनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, और ये सारे मिलके कैसे हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं या फिर कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे. तो आइए चलते हैं और देखते हैं. हमारा शरीर जो है वो काफ़ी फंक्शन ऐसे करता है, जैसे कि सांस लेना, खाना खाना, पानी पीना,
और इन सारे चीज़ों को करने के दौरान हमारे शरीर से काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जिनका हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होना काफ़ी डेंजरस और हार्मफुल है। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट में जो सबसे कॉमन वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में निकलता है इन सारी चीज एक्टिविटीज होने के दौरान, वो है यूरिया, दैट इज़ द नाइट्रोजनस बेस्ड वेस्ट प्रोडक्ट। अगर इनका हमारे शरीर में एक्यूमुलेशन होने लगे तो कई सारे डेंजरस इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि किडनी फेलियर, जो लेग में स्वेलिंग हो जाती है वो, एंकल में स्वेलिंग या पेन, आई के नीचे जो है स्वोलन आने लग जाते हैं। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स और डेंजरस इफेक्ट है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे शरीर से सबसे मेन वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है दैट इज यूरिया, उसको क्लियर करने का, उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने का काम जो है वो करता है किडनी। और इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किडनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, जो कि हमारे शरीर से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिकली यूरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो कैसा होता है ये किडनी, किस तरीके का दिखता है, कहाँ पाया जाता है, आइए इसके बारे में कुछ नॉलेज गेन करते हैं और शुरू करते हैं हमारा यहाँ से फिर लर्निंग का प्रोसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किडनी जो है वो मिडिल ऑफ योर बैक लोकेटेड होता है, जस्ट रिबकेज के नीचे। इनके पास इनके टॉप में एड्रीनल ग्लैंड होता है। और यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि किडनी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो आइए जानते हैं किडनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। किडनी जो है वो दो बीन शेप्ड ऑर्गन है जिसका साइज हमारे फिस्ट के बराबर होता है। अगर आपने कभी बीन देखा होगा तो आपको पता होगा कि किडनी कैसा दिखता है। प्रत्येक किडनी 5 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा होता है। इनका रंग रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जो घुमावदार बाहर की तरफ निकला हिस्सा है वो कन्वेक्स साइड कहलाता है और अंदर की तरफ का हिस्सा कनकेव साइड कहलाता है, यानी कन्वेक्स के ऑपोजिट कनकेव साइड होता है। अगर आप किडनी को सेक्शनल व्यू करके देखें तो दो रीजन मिलेंगे, इनर रीजन जिसको मेड्यूला कहते हैं, आउटर रीजन जिसको कि कॉर्टेक्स कहते हैं। हर किडनी के अंदर कई सारे छोटे छोटे फिल्टर करने वाले छन्नी जैसे यूनिट लगे होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। इनका काम ब्लड को फिल्टर करना होता है। ये काफ़ी छोटे यानी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनकी हर एक किडनी में 1,000-1,000,000 संख्या होती है जो कि वेस्ट को बाहर निकालती है, साथ ही एक्सेस वाटर को भी। ये डिस्टल राउंडेड एंड जो स्ट्रक्चर है इसको बोमन कैप्स्यूल कहते हैं। इनके पास 2 ट्यूब्यूल होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। वो वेस्ट जिसको बाहर निकालना है, जो यूरिया और कुछ और पॉइजनस सब्सटेंस होंगे, वो शरीर जो शरीर के लिए नुकसानदायक है, इसके लिए किडनी इसको फिल्टर करता है और शरीर के बाहर निकाल देता है। वो वेस्ट जो जमा हुआ फिल्ट्रेशन के बाद हो या एक्सेस वाटर हो, उसके साथ कंबाइन करके यूरिन बनाता है और ये यूरिन बाद में रीनल पेल्विस के बाहर फ्लो होता है और वहाँ से होता हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरेटर कहते हैं, वहाँ से होता हुआ वो एक सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर ब्लैडर में जाके जमा होता है। वहाँ एक और ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, इसके थ्रू वो शरीर के बाहर निकल जाता है। आइए अब समरी देखते हैं। किडनी ब्लड रिसीव करता है रीनल आर्टरी के थ्रू। इन किडनी से ब्लैडर तक यूरेटर के थ्रू जाता है और ब्लैडर में यूरिन जो है स्टोर होता है और एक्सक्रीट होता है बॉडी के बाहर यूरेथ्रा के थ्रू। इस तरीके से ह्यूमन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन होता है। तो किडनी के थ्रू ये सारे प्रोसेस होते हैं, ये कैसे कैसे हुआ ये तो आप जान गए, और अब तक तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि किडनी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट था, एक्सक्रीशन में उसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल था। लेकिन एक चीज़ क्या आपने नोटिस किया है, कई बार ऐसा होता है कि जो यूरिन है उसके कलर जनरली येलोइश कलर का होता है, लाइट येलो, बट कई बार आप देखते हो कि कभी कभी वो डार्क येलो कलर का निकलता है, कभी नॉर्मल लाइटिश कलर का। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है? हालांकि द मेन रीज़न इज़ कि आप जितना पानी पियोगे आपका यूरिन का कलर नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते हो और पानी कम पीने के वजह से जो यूरिन है उसका कलर डार्क आता है। सो इसीलिए, और उसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी पड़ते हैं हमारे किडनी पे, तो इट्स बेटर टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू कीप योर किडनी सेफ एंड हेल्दी। तो ज़्यादा पानी पीते रहें, अपने किडनी को सेफ और हेल्दी रखें ताकि वो अपने सारे फंक्शन अच्छे से कर सके।
और इस तरीके के बाकी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मेरे इस वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने जाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इज अबाउट नेफ्रॉन, जो किडनी के अंदर मैंने थोड़ा सा उसके बारे में बस बताया है, तो उसके डिटेल स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। ड्रिंक मोर वाटर टू कीप योर किडनी हेल्दी एंड सेफ सो दैट इट कैन वर्क प्रॉपरली। ज़्यादा पानी पीते रहिए और अपने किडनी को हेल्दी रखिए और अच्छे से वो फंक्शन कर सके, उसमें उसकी मदद करें। बने रहे मेरे साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ हैं। आपके घर में कई छोटे बड़े बच्चे होते होंगे, जो आपके रिलेटिव्स होते होंगे या आपके अपने भाई बहन होते होंगे, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये स्टडी करनी है, उनके सिलेबस में है, क्लास 8 में भी है, क्लास 10th में भी है, तो आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो शेयर करें एंड सपोर्ट करें मेरे चैनल को बाई सब्सक्राइबिंग इट, लाइकिंग इट एंड शेयरिंग इट अमंग योर फ्रेंड्स। कोई क्वेश्चन रह गया हो या फिर आपको कैसा लगा यह वीडियो, कैसा लगता है मेरा वीडियो, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ अपने व्यूज देने हैं तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।